हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। और आज है सैटरडे, 16 नवंबर है आज और 1:30 हो रहे हैं। मैं बनाऊंगी अभी लंच। लंच में बनाने वाली हूँ पालक का साग, उसके साथ मिक्स करूंगी काले चने। काले चने मैंने थोड़े से सुबह ही बॉइल करके रख लिए थे, क्योंकि नाश्ते में भी हमने काले चने ही लिए, थोड़े से बच गए, तो मुझे लगा कि पालक के साथ मैं उसको मिक्स करके बना सकती हूँ, तो वही बनाऊंगी। और विवेक को भेजा हुआ था पालक लेने के लिए, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश, तो वो आ गया है पालक, तो वो मैं अभी साफ करूंगी। लेकिन उससे पहले ना मैं मलाई, क्योंकि एक हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया और मलाई काफी सारी इकट्ठी हो गई है, तो इससे मक्खन निकालना है, उसके बाद पालक को साफ करने का काम करना है। बहुत लंबा काम है ये। ये जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ये जो मलाई मक्खन लगा हुआ है, तो इसको मैं अभी जब पालक इसी के अंदर ही ग्राइंड कर लूंगी, तो थोड़ा सा जो ये मलाई वाला टेस्ट है उसमें भी आ जाएगा, बहुत ही मलाईदार फिर अच्छा लगेगा टेस्ट। ऐसे ही जैसे मैंने मलाई रखी हुई थी, थोड़ी सी मैंने इसमें छोड़ दी है क्रीम, और इसको भी इसी के साथ ही मिक्स कर दूंगी पालक के साथ, तो अच्छा सा बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है, एकदम मलाईदार क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर हो जाता है, टेस्ट हो जाता है उसका साग का। और इससे क्या होता है, गर्म होता है ना साग, तो जल्दी से इसकी सफाई भी हो जाती है, नहीं तो जो ये चिकनाई है ना ये साफ नहीं होगी, तो ये तभी, जैसे मैं इसमें गर्म साग डालूंगी तो तुरंत ये गर्म गर्म हीट से उसकी झट से सारा का सारा पिघल जाएगा, और इसे क्लीन करना भी फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा, पत्ते पत्ते तो लाइट तो ऑन ही नहीं की, कहां से नजर आएगा। और एक देखना विवेक, ये पता क्या है, ये पेस्टिसाइड्स हैं। हाँ, तो इनको हटाना है, बहुत गंदी स्मेल आएगी, जो ऑयल ऑयल जैसा लग रहा है मुझे, मैंने तो पिछली बार भी हटा दिया था। ऐसे तो सारे हट जाएंगे, सब ऐसे ही हैं, ये पत्ते सूख रहे हैं, पेस्टिसाइड नहीं है। नहीं, स्मेल करो, आई पत्ता सूख रहा है, वैसे नहीं है, कुछ नहीं है, काला नहीं होता, नहीं पीला होता, आपको इतना भी नहीं पता ना, समझो पहले काला होता है फिर पीला होता है, मुझे तो डर लग रहा है कि खा के मर गए तो। ओह, सारी दुनिया खा रही है, इतना पालक बिक रहा है। कहाँ से लेकर आए हो आप ये ऐसा, पिछली बार तो बहुत ही कम था इस तरीके का। अरे आजकल पालक मिल रहे हैं नीचे से लाए, वहाँ तो बिल्कुल ही बेकार मिल रहा था मंडी में, तो वो छंट जाता है ना, जब तक हम जब लोग जाते हैं तब तक लेट हो जाता है। 1 किलो पालक था और उसमें से इतना सा बस इतना सा ही साफ किया मैंने, बहुत सारा गंदा था मैंने निकाल दिया, क्योंकि जहां पर भी मुझे छोटे छोटे छेद भी दिखाई देते हैं ना, तो वो कीड़ों के खाए हुए होते हैं, मैं उनको फिर नहीं रखती हूँ। मेरी मम्मी बोलती हैं कि जब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे तब मम्मी पालक खरीद के लेकर आई थी, और जैसे मम्मी ने पालक की जो गड्डी है वो खोली, तो उसके अंदर से ना एक मरा हुआ छोटा सा सांप का बच्चा निकला था, तो मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है कि अगर कोई भी चीज अगर किसी कीड़े ने खाई हुई है, मुझे कोई गंदा भी लगता है ना पत्ता, तो बस वही लगता है कि इसमें कीड़े घूमे होंगे या सांप घूमे होंगे, इसलिए मैं तो बहुत ही कम निकाल पाती हूँ, और डर भी लगता है मुझे तो इससे, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मम्मी ने बताया था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी गड्डी खोलूं उसके अंदर से सांप निकल के आ जाए। ये पालक में हल्का सा इसमें पानी डाला है और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उबल गया पालक, अब कर दूंगी गैस ऑफ, थोड़ी देर से ठंडा होने दूंगी। पालक ठंडा हो गया, अब ये जो मक्खन वाला है ना जार इसी में डाल दूंगी।
ये बॉईल किया था पानी, ये बच गया है। इसी में मैं पालक का जब साग बनाऊंगी ना उसी में डाल दूंगी। अभी भी बहुत गर्म है, अभी गर्म है थोड़ा सा, इसको थोड़ी देर और ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं पहले ऐसे कर चुकी हूँ, बहुत ही गर्म पालक था और मैंने ये ऐसे ही जार में डाल दिया, और जैसे ही मैंने ये ऑन किया उसके बाद इतना प्रेशर बना कि ये जो इसका ये ढक्कन है ये उड़ गया हाथ से मेरे, एकदम गर्म गर्म छींटे हुए हाथ पे लगी थी, और पालक भी इधर उधर सब जगह फैल गया था, मतलब बहुत दूर दूर तक छींटे चली गई थी। तो मैंने शॉर्टकट में सोचा था कि काम हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में नहीं हुआ था, फिर तो इतना लंबा हो गया था ना काम, सारे घर की साफ सफाई करना, इतना भी मैंने वेट नहीं किया कि इसे ठंडा ही कर लूं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से ये ठंडा हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए तभी करना चाहिए। इसके अंदर जितनी भी मलाई थी वो सारी की सारी पिघल के ना पालक के अंदर चली गई है, तो अब ये सारा मैं जब तड़का लगा दूंगी तो सारा पालक निकल जाएगा और आराम से मेरा ये जो जार है साफ हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मलाई इसके अंदर भी मैंने छोड़ दी थी, इसमें पानी गर्म कर लूंगी थोड़ा और वही पालक के साग में मिला दूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह मक्खन भी मिला सकते हैं, ये तो मेरा यूज हो जाएगा ना सारा सामान, इसलिए मैंने ऐसे किया, और इसकी भी चिकनाई साफ हो जाएगी इस बहाने। यहां मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है कढ़ाई के अंदर, गरम कर रही हूं उसको अच्छे से, तेल गरम हो गया, जीरा डाल रही हूं, प्याज डाल रही हूं, ये एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, ये जिंजर गार्लिक है जिसको क्रश कर लिया मैंने, ये भी डाला इसके अंदर, ये दो टमाटर हैं ये भी चॉप किए हुए हैं, इसमें एक हरी मिर्ची है, हींग डाल रही हूं, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, हल्का सा नमक, भूनूंगी इसको अच्छे से, अच्छे से भून गया मसाला। अब इसमें ये मैंने चने जो बॉईल किए थे ये डाल दिए, अब थोड़ी देर इसी के साथ इसको भी भून लूंगी, तो एक से दो मिनट मैंने इसको भून लिया, अब इसमें मैं ये डाल दूंगी पालक, गैस को बिल्कुल सिम कर दूंगी क्योंकि ये इसकी छींटे इधर उधर पड़ेगी नहीं तो। और ये वाला जो पानी है मैंने बॉईल कर दिया था, और इसमें मैंने पालक जिसमें बॉईल किया था वो वाला पानी भी ऐड कर लिया था, ये इसमें डाल के अच्छे से, और ये पानी भी थोड़ी देर बाद इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ी देर ऐसे ही पका लेती हूँ उसको, ये पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, थोड़ा सा तो मैंने पहले भी बॉईल करते हुए डाला, थोड़ा सा मैंने टमाटरों में भी डाला था, अब मैं फिर से इसमें मिलाने वाली हूं, इतना काफी होगा, मिक्स कर दूंगी इसको अच्छे से, और इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दूंगी। ढककर पकाना है, नहीं तो उसकी छींटे इधर उधर सब जगह उबलते वक्त फैल जाती हैं और सारी टाइल्स वगैरह और कुक टॉप वगैरह सब गंदा हो जाता है। चाट मसाला मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया थोड़ा सा, इसमें उबाल आ गया है और मैं इसको कर दूंगी बंद, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना होता है पालक, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिर खत्म हो जाएंगे नहीं तो। तो पालक भी पक चुका है, अब मैं बनाऊंगी इसके साथ रोटियां, जिनको हल्का सा घी लगा के खाएं, वैसे तो ये मक्का की रोटी के साथ अच्छा लगता है या फिर बाजरे की रोटी हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास है भी नहीं और मुझे
मक्की की रोटी बनानी भी नहीं आती है। अगर आटा बहुत ही अच्छा है तो बन जाती है मुझसे, लेकिन अगर आटा थोड़ा सा पुराना है ना तो वो मतलब उसमें बाइंडिंग नहीं हो पाती है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। और अगर कभी बनाई भी है तो मैं तो बहुत छोटी छोटी सी बनाती हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए कि हाँ हम लोगों ने खाई। एकदम परफेक्शन के साथ, एकदम परफेक्ट जो होती है ना वो मुझसे नहीं बनती है। ये इसमें मैंने मक्खन डाल लिया है थोड़ा सा, तो ये ऐसा लग रहा है। और ये दही है रोटी और साथ में मूली की सैलेड। अभी मम्मी मूली का अचार बनाएंगी ना, जिसमें मम्मी थोड़ी सी वो डालती हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटे वाली सरसों को, याद नहीं, राई वाला अचार जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में खाने में, तो मम्मी वो टेम्परेरी वाला अचार डालती है ना वो लेकर आऊंगी मैं। तो मैं वैसे तो खुद भी बना सकती हूँ ना, लेकिन जब तक मम्मी ऐसे काम कर रही होती है ना तो फिर मन नहीं करता कुछ भी अलग से कुछ करने का। तो अभी मेरा जाने का है कुछ दिनों बाद प्रोग्राम, और मक्खन जो है मैंने वो फ्रिज में उठाकर रख दिया। अभी उससे मैंने घी नहीं बनाया क्योंकि ये बोल रहे हैं कि शायद मार्केट जाना हो, तो फिर अगर मैं घी बनाने लग जाती तो काफी टाइम लग जाता, तो शाम को बनाऊंगी, अभी छोड़ दिया मैंने। आज तो मैंने अपने हस्बैंड की आवाज भी आप लोगों को सुना दी है, उनको पता नहीं था मैंने कैमरा ऑन कर दिया, कितनी खराब हूं ना मैं। चाट मसाला जरूर डालकर देखेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी थाली